उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली 14 माह की चंपक 8 दिन से अपने माता पिता की राह देख रही है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 19 सितंबर को बच्चे की मां एकता और पिता रविशेखर को पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। तब से बच्ची को अपने माता पिता का इंतजार है। बच्चे की देखभाल कर रही बुआ ने पीएचडी की क्लास तक छोड़ दी है। महमूरगंज निवासी रवि और एकता पर्यावरण एक्टिविटीज हैं। चंपक की देखभाल बड़ी मां दोबरिता, बड़े पिता शशिकांत तिवारी, दादी शीला तिवारी और बुआ शुभांगी मिलकर कर रहे हैं। चंपक के बिस्तर पर खिलौनों को सजा रखा है, लेकिन उसका मन अब खिलौनों में नहीं लगता। वह बार बार अपनी मम्मी और पापा के बारे में जब अपने सवालों से करती है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों की जमानत लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सेशन कोर्ट में 1 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। परिजनों का कहना है कि 8 दिन से घर में कोई सदस्य ठीक से सोया नहीं है। चंपक को किसी तरह से मां की तस्वीर दिखाकर सुलाया जा रहा है, क्योंकि वह मां का दूध पीती थी तो बाहर से दूध दिया जा रहा है, अक्सर भूखी रह जाती है। बड़ी मां देबुरिता ने बताया कि अब वो मां मां कहकर रोने लगती है। उन्होंने बताया कि कल वह मां एकता के कपड़े उठाकर अलमारी में रख रही थी, जिसे देखकर बच्ची चीखने लगी, मानो कह रही हो मां को ना ले जाओ, बुला दो। चंपक ने खेलना बंद कर दिया है। रविशेखर की मां और चंपक की दादी की आंखों में आंसू थे। कहा जज साहब के भी बच्चे होंगे, पुलिस वालों के भी औलाद होगी। इस बच्ची का दर्द किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा बेटा और बहू पर्यावरण क्लाइमेट एजेंडा को लेकर सोशल वर्क करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्हें जेल में डाल दिया गया। बुआ शुभांगी ने बताया कि भैया की शादी 25 जनवरी 2015 को हुई थी। चंपक 12 जून 2018 को पैदा हुई। मैं भी बीएचयू के पीएचडी कर रही हूँ। 19 तारीख से ही अपनी क्लास छोड़ दी थी। देवोरिता ने कहा कि जेल जाने के बाद से 1 मिनट भी मैं चंपक को छोड़ नहीं पा रही हूँ। सब्जियों का जूस, उबला पानी, चावल को धोकर एकता कुछ पीस कर बनाती थी और बच्ची को खिलाती थी। अब हम लोग कुछ खिला रहे हैं तो उसका पेट खराब हो जाता है। रवि यूपी कॉलेज के बीएससी और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए और पत्नी एकता ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की थी। दोनों क्लाइमेट को लेकर संस्था के जरिए वर्क करते हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि 19 दिसंबर को वाराणसी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में प्रदर्शन में हिंसा फैलाने के आरोप में 56 नामजद और 200 से अधिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन्हीं में रविशेखर और एकता भी शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बेनिया बाग में एक पार्टी द्वारा सभा में भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। इसी भीड़ में लोगों ने धुक्का मुक्की कर नारेबाजी की, रोड ब्लॉक, उत्तेजक शब्दों का प्रयोग किया गया, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई गई। बंद करके सब लोग जुटे हैं कि खिलौना दिखाओ, ये सब ये करो वो करो करके हंसा के उसको रख, फोटो जब देखती है मानी कि आपके सामने तो है ही दीवार पे सब रखा हुआ, किसी तरह उसका ध्यान चला जाए तो सब बोलने लगते हैं अम्मा मम्मी, कभी अम्मा कभी मम्मी, आओ पापा आओ, बस एक ही वर्ड बोल पाती है। पूरे घटनाक्रम के लेके तो यही हम सोच रहे हैं कि उस बच्चे के भीतर क्या बीत रहा है, कैसे उसको मैंने बोले कि बाबू तुम्हारी माँ ऑफिस गई है, यही सब बोल बोल के उसको हम लोग बना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।